बंद करूंगी ना तब इनका समझ में आ जाएगी, ये फड़ देना। फोन ना करो भाई, चलो चल चलो चलो आराम से काम करो। झाड़ा बंद करूंगी ना तब इनका समझ में आ जाएगी, ये फड़ देना। दादा जी काम करो, ना ये जगह बोल के ले तुम धर्म दो खा दो। चलो खड़े हो जाओ भीतर, चलो खाओ लगाओ जी, चलो चलो जी खाओ लगाओ, चलो खाली जाओ अड़की पीड़े हो गए खाली पड़ाओ जरा बताओ भाई खाओ इनका लेडीज बैठी हो तो चलो शाम ही ना बैठे करो फल देने वाली गल उगाई। ये कमरा कमरा में बांट दिया। अरे खड़ी हूँ देख लो, कंप्लीट कर लेने से एक वीक में कंप्लीट कर लेने से एक सप्ताह यानी कि एक झाड़ से दूसरे झाड़ के बीच में 48 घंटे का गैप होना चाहिए। हाँ जी 48 घंटे का गैप होना चाहिए, हफ्ते के अंदर तीनों झाड़े लगवा लेने से। हाँ जी एक हफ्ते। एक और साथ भी जी एक बात है, जैसे किसी का आराम नहीं हो पहले झाड़ा में थोड़ा घना आराम नहीं हो तो फिर क्या करना चाहिए, उसको नहीं आना चाहिए। वो आके हमें परेशान भी ना करे। कई बार सुनने को मिलता है मेरे 8 होली है मेरे 7 होली है, जनता में पता तो चलना है कि भाई आदमी बार बार आ रहा है तो फिर वो कहता है कि मेरे 8 होली है 7 होली है मेरा आराम नहीं है, तो वो कष्ट करके ना आए। पहले झाड़े पे भी 10% आराम ना लगे, 10% आराम ना लगे तो मत आओ। क्या कारण उसको आराम नहीं होने का, जब बाकी जनता जो आ रही है 90% आराम होता है उसको नहीं रहा। नुका अगर 100 का 100 का आराम हो जाएगा तो हम गोरखनाथ हो जाएगा, तो हम गोरखनाथ तो है नहीं। और दूसरी बात ये कि कुछ कर्म भी अड्डी आ जाए, ठीक है, तो सभी बीमारियों का इलाज तो नुका अगर भगवान ही कर सका, हम तो हमारे बस की। तो कहने का मतलब ये कर्मों का फल है। साध्वी जी वो क्वेश्चन बता दीजिए, आप कितने दिन उधर सुरखी में लगेगा झाड़ा और कितने दिन यहाँ लगेगा, जैसे अभी आपने बताया मंगलवार बृहस्पतिवार और रविवार तो लगेगा मोखरा गांव में झाड़ा, जो कि जैसे मोखरा का तो वही प्रोसीजर है जो पहले था, यानी कि वो जो शेड्यूल चल रहा था हमारा मोखरा का तो वही रहेगा। एक झाड़ा सोरखी में लगेगा, जो जिनको सुविधा है सोरखी जाने की वो अपने सोरखी में झाड़े पूरे कराए। दिन कौन सा रहेगा ये बताइए? शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन देख सकते हैं केवल एक बार। हाँ जी